गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू लेसन नंबर 10 इन EVS फूड कल्चर। टुडे वी विल डू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इन फेयर नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन टू ओकेजन्स व्हेन मेंबर्स ऑफ फैमिली ईट टुगेदर। टू ओकेजन्स के हमें नाम बताने हैं जहां पर फैमिली के मेंबर्स इकट्ठे होकर खाते हैं। ईट दीज ओकेजन्स कुड बी वेडिंग, फेस्टिवल्स, पिकनिक एंड बर्थडे पार्टीज व्हेन मेंबर्स ऑफ फैमिली ईट टुगेदर। फेस्टिवल्स होते हैं, कहीं किसी की वेडिंग है, पिकनिक है और बर्थडे पार्टीज हैं, तो इन ओकेजन्स पर फैमिली मेंबर्स मिलते हैं और वहां पर एक साथ भोजन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट फ्यू बेनिफिट्स ऑफ मिड डे मील। मिड डे मील जो कि आपको स्कूल में दिया जाता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो बताने हैं। आपको पहले हेडिंग डालनी है, बेनिफिट्स ऑफ मिड डे मील आर, फर्स्ट पॉइंट, इट क्रिएट्स यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द चिल्ड्रन। ये बच्चों में जो है एकता को क्रिएट करता है और उनके बीच में एक साथ होने की भावना आ जाती है, एक साथ बैठकर खाने की भावना आ जाती है। इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ शेयरिंग, शेयर करने की उनको सेंस आती है कि वो किस तरह से हमें शेयर करके खाना चाहिए। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस फूड टू स्टूडेंट्स, और बच्चों को, स्टूडेंट्स को न्यूट्रिश फूड प्रोवाइड किया जाता है मिड डे मील में। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ अपॉन फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स जो हमारी भोजन की आदतें हैं उनके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज़ का क्या प्रभाव पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ अपॉन फूड हैबिट्स इज़ दैट द फास्ट फूड आइटम्स लाइक बर्गर्स, नूडल्स एंड पिज़्ज़ाज आर बीइंग यूज्ड दीज डेज। वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि जो बाहर के देश हैं और उनका हमारे यहाँ पर भोजन पर क्या प्रभाव पड़ा है, हमारे भोजन में क्या मिक्स हो गया है, क्या हो गया है, फास्ट फूड, फास्ट फूड की हैबिट आ गई है, जैसे कि बर्गर, नूडल्स, पिज़्ज़ा, ये सभी जो हैं आजकल हमारे भोजन में हम इसे यूज़ करने लग गए हैं हम इन्हें खाने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइनिंग टुगेदर। डाइनिंग टुगेदर, डाइनिंग पे एक साथ खाने के, एक साथ बैठने के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस होते हैं। व्हेन पीपल डूइंग टुगेदर विद देयर फैमिली मेंबर्स दे शेयर देयर फीलिंग्स एंड देयर डेज एक्सपीरियंस। जब जो फैमिली मेंबर्स हैं वो लोग इकट्ठे होते हैं डाइनिंग पर, तो वो क्या करते हैं कि अपनी पूरे दिन की एक्सपीरियंस को और अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। इट डेवलप अ बॉन्ड ऑफ यूनिटी अमंग देम, और ये एक बॉन्ड को, एक बंधन को, एक यूनिटी का, एक साथ होने का, एकता का बंधन जो होता है उसे बनाने में, ये डेवलप करने में ये हेल्प करती है। तो एक साथ बैठकर खाने के लिए हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने और आपको ये लर्न करने। ओके, थैंक यू।